हाय गाइस, आई एम अनिल। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके फेस पर गड्ढे हैं और उनसे आपको बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, यानी आप जब किसी लोगों के सामने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा शर्म आती है, तो इन गड्ढों को कैसे भरा जाता है, आज मैं आपको इस वीडियो में होम ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, जो कि आप 7 दिन के अंदर अंदर ही आपके फेस से गड्ढों को भर सकते हैं। फेस पर गड्ढे होने के रीज़न क्या क्या होते हैं? बहुत सारे रीज़न होते हैं, मैं क्या क्या रीज़न बताऊँ, लेकिन जो मुझे पता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको बता सकता हूँ। यदि आप किसी पिंपल्स का इलाज करते हो तो आपके जो पिंपल्स का जो दाना निकलता है उसके बाद जो होल रह जाता है, इसके बाद भी आप उस जो मेडिकल क्रीम या ट्रीटमेंट तब भी आप उसका यूज़ करते हो तो वो उस होल को जला देते हैं, जिसके बाद आपके स्किन के गड्ढे ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। या फिर आप धूल मिट्टी आपके फेस की ज़्यादा केयर नहीं करते हो, इसके रीज़न से बहुत सारे आपके फेस पर गड्ढे आ जाते हैं, या फिर जो पहले बचपन का कटा हुआ है या कहीं चोट के निशान है तो उसके रीज़न से भी ये गड्ढे आ जाते हैं। तो इनको कैसे भरा जा सकता है, मैं आपको बताऊँगा होम ट्रीटमेंट। आपको सबसे पहले बेसन लेना है, कम से कम 2 चम्मच। फिर आपको 5 चम्मच या 10 चम्मच आपको लेना है दूध। दूध में आपको करना है मिक्स नींबू। दूध फट तो जाएगा बट नींबू मिक्स करना है। बेसन, दूध, नींबू का आप इन तीनों का पेस्ट बनाकर आप आपके स्किन पर, यहाँ पर भी गड्ढे हैं आपके फेस पर, इसको अप्लाई करें, यानी इसको लगाएं। आप कम से कम 20 या 25 मिनट तक आपके फेस को सूखने दें। सूखने में जब तक आपका पेस्ट सूख नहीं जाता तब तक आपके फेस को आपको मूवमेंट या हिलाना नहीं है या कुछ खाना नहीं है। आपको जब ये पूरा पेस्ट सूख जाता है, इसके बाद आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं। आप इसको अगर एवरीडे यूज़ करोगे तो 1 हफ्ते के या 2 हफ्ते के बीच में ये आपके पूरे गड्ढे भरते चले जाएंगे। लेकिन आपको सब्र ज़रूर रखना है, अगर आपके गड्ढे ज़्यादा गहरे हैं या ज़्यादा बड़े हैं तो इनको भरने में ज़्यादा टाइम ज़रूर लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो करोगे एंड मेरे वीडियो को लाइक करोगे। कमेंट जरूर करना मुझे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन।